आज स्नैक डे के मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे गांव के बारे में जहां सांप दोस्त बनकर रहते हैं, न उन्हें मारा जाता है और न ही सांपों के काटने से कोई मरता है, चौंक गए न जानकर। पर ये सच है, बात हो रही है। हरियाणा में रोहतक जिले के गांव रोहेड़ा की। इस गांव में पिछले 300 सालों से एक परंपरा चली आ रही है। यहां सांप मारना बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। आज तक यहां सांप के काटने से किसी की मौत नहीं हुई है। अक्सर सांप आकर लोगों को काटते रहते हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं जाता। इस अनोखी बात के पीछे की कहानी बताते हुए गांव के सरपंच कहते हैं कि करीब 300 साल पहले की बात है। कुंडू गोत्र के बुजुर्ग गांव घोघाडिया से आकर यहां बसे थे। उन्हीं में से एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम लक्ष्मी रखा गया। कहा जाता है कि उसी महिला की कोख से बच्चे के साथ एक सांप ने भी जन्म लिया था। उस महिला ने सांप का पालन पोषण भी अपनी औलाद की तरह किया। भाद्र मास की चौथ के दिन वह महिला खेतों में काम करने गई थी। इस दौरान उसने अपने बेटे और सांप को एक पालने में साथ साथ सुला दिया। इस बीच उस महिला का भाई अचानक गांव आया और अपनी बहन को घर में न पाकर वह भी उसी खेत चला गया। महिला के भाई ने देखा कि उसके भांजे के साथ पालने में एक सांप लेटा हुआ है। खतरा जानकर उसने सांप को मार दिया, जिसके तुरंत बाद उस बच्चे की भी मौत हो गई। यह देखकर महिला आग बबूला हो गई और उसने रोते हुए अपने भाई से कहा कि तूने सांप के साथ मेरे बेटे को भी मार डाला है। उसने अपने भाई से कहा कि तू भविष्य में इस दिन कभी भी मेरे घर मत आना, क्योंकि इस दिन तुझे मेरे घर से अन्न जल तक नहीं दिया जाएगा। तब से लेकर आज तक जिस दिन सांप किसी को काट लेता है, तो उस दिन कुंड गोत्र के लोग किसी मेहमान आगंतुक अथवा भिखारी को भी खाना नहीं देते। उसी दिन से कुंड गोत्र में परंपरा बनी है कि कोई भी व्यक्ति सांप को नहीं मारेगा। ऐसी मान्यता है कि सांप के काटने से यहाँ कुंड गोत्र के लोगों की मौत नहीं होती। यदि कोई सांप किसी व्यक्ति को काट भी लेता है, तो उसे घर में ही जमीन पर लेटाकर महिलाओं द्वारा गीत गाकर उसका उपचार किया जाता है। इसके बाद व्यक्ति स्वस्थ उठता है। ठीक होने पर उसे नागदेव के मंदिर में ले जाकर दर्शन कराए जाते हैं। Z News की रिपोर्ट।